आप देख रहे हैं एसकेके न्यूज। लखीमपुर के पिपरिया धनी क्षेत्र के सुभाष नगर थाना मोहम्मद निवासी सुरेंद्र सिंह पुत्र बलवंत सिंह के झाले पर रात्रि को सुरेंद्र सिंह की गैर मौजूदगी पर वह रेहरिया चौकी पुलिस व 10 लोग सादी वर्दी में घर के मेन गेट की कुंडी तोड़कर घर में घुसकर गाड़ी की बोनट पर डंडा मारा। वह टंकी, पंखा, दरवाजा आदि तोड़ फोड़ कर 45,350 रुपये अलमारी में रखे थे वह भी ले गए। वह घर में महिलाओं व बच्चों के साथ अभद्र गालियों का प्रयोग करते हुए चले गए। जब सुरेंद्र सिंह अपने खेत से घर वापस आए तो उनके बच्चे, उनके घर की महिलाएं बहुत डरी सहमी सी थीं। घटना की जानकारी सुरेंद्र सिंह को बताई। वह सुरेंद्र सिंह ने रात्रि को अपने ग्राम पंचायत प्रधान को फोन कर घटना की जानकारी दी। जानकारी मिलते ही ग्राम प्रधान लगभग रात्रि में पहुंचे। वहां सुबह होते ही सुरेंद्र सिंह ने क्षेत्रीय लोगों इस घटना के बारे में अवगत कराया। बताते चले कि सुरेंद्र सिंह के भाई कुलविंदर सिंह के कुछ दिन पहले ही पुलिस के साथ मारपीट के मामले में जेल में बंद है। कुलविंदर के साथ तेजराम भी जेल में बंद है। उनके ही लड़के गुरजीत सिंह के खिलाफ वारंट भी है जो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। मोहम्मदी पुलिस हम लोगों को बेवजह सता रही है। इस मौके पर साहबगंज ग्राम सभा प्रधान कुलविंदर सिंह, सुभाष नगर प्रधान पप्पू नरेंद्र सिंह, बलविंदर सिंह, पलविंदर सिंह, सूरज गुप्ता, राहुल यादव व आदि लोग मौजूद रहे। वहीं चौकी इंचार्ज जगपाल सिंह का कहना है कि वारंटी गुरजीत सिंह की सुरेंद्र सिंह के झाले पर सूचना मिलने के आधार पर मैं पुलिस बल के साथ दबिश डाली थी। चौकी इंचार्ज जगपाल सिंह ने बताया कि वारंटी गुरजीत सिंह विदेश जाने की फिराक में है। हमें वारंटी गुरजीत सिंह की सुरेंद्र सिंह के झाले पर होने की सूचना मिली और इसीलिए मैं पुलिस बल के साथ रात्रि को सुरेंद्र सिंह के झाले पर पहुंचे तो वह दीवार छलांग मार दूसरी ओर निकल गया। इसी संबंध में पुलिस क्षेत्र अधिकारी से जानकारी चाही गई तो उन्होंने बताया कि वारंटियों के खिलाफ अभियान था जिसके अंतर्गत दबिश डाली गई। तोड़फोड़ जैसी कोई घटना नहीं है। लड़की अपने डर के मारे अंदर मतलब घुस गई। घुसने के बाद में देखा पुलिस आ जाने वाले सब खड़ी है तो मेरा लड़का अपनी बहन के गया।